तो आप देख सकते हो इसका स्पार्क कितना खतरनाक है। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैस्किटो रैकेट के रिपेयरिंग के बारे में। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें स्पार्क तो होता है बट यार ये मच्छर को नहीं मारता है। तो यार इसको आज हम ठीक करके बताने वाले हैं। जरा पहले आप इसका स्पार्क देख लीजिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, आप इस बैटरी पर ध्यान दीजिए। दोस्तों हमारी जो बैटरी थी इसके अंदर लगी होती है वो इसमें सेट नहीं हो रही थी। मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया है लिथियम आयरन का 18650, तो इसे मैंने बाहर लगा दिया है। तो यार सबसे पहले इसके जो है बैटरी को हम डिसोल्ड कर देते हैं और इसके कवर को हटा देते हैं। और दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो यार सबसे पहले देखिए मैंने इस बैटरी को निकाल दिया है और इसके ढक्कन को भी हम हटा देते हैं। और यार ये देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको रिपेयर आप कैसे कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी जो पावर है आप 10 गुना तक बढ़ा सकते हो। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस सेल के आपको वोल्टेज चेक कर देने हैं। तो यार वोल्टेज चेक करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप वोल्टेज चेक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 नंबर पर डीसी पर सेट कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने 20 नंबर पर सेट कर लिया है। और यार ये देखिए जो हमारा बैटरी में प्लेन वाला हिस्सा होता है वो तो माइनस का होता है और जो उठा हुआ होता है वो प्लस का होता है। तो यार सबसे पहले देखिए जो हमारी रेड प्रॉप है उसको लगाएंगे और ब्लैक वाली को प्लेन पे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं 2.5। तो दोस्तों लगभग हमारी बैटरी जो है बिल्कुल ओके है। अगर हमारी बैटरी में जो कुछ भी लो वोल्टेज बताती तो सबसे पहले हम बैटरी को चेंज करते। तो यार ये बैटरी तो हमारी ओके है, तो बैटरी में कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप में आपको इस बोर्ड को इसमें से खोल देना है। और यार इस बोर्ड को खोलने के बाद आपको मैं कुछ चीज़ों को चेक करके बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वरना आप कमेंट करोगे कि भाई यार हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं इसके वायर को डिसोल्ड कर देता हूँ। और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जब ही करना। और दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर इसके जो है वायर को हटा देता हूँ और वायर हटाने के बाद इस प्लेट को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैंने इस प्लेट को बाहर निकाल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इस बोर्ड में मैंने कैपेसिटर भी पहले से चेंज कर लिया है। बहुत से मैंने वीडियो में देखा है कि इस कैपेसिटर को चेंज करने से मॉस्किटो बैट रिपेयर हो जाता है, बट यार मैंने इसको करके देख लिया, मेरा जो है मॉस्किटो रिपेयर नहीं हुआ। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 223J 2000 वोल्ट। तो दोस्तों ये मैंने चेंज करके देख लिया है पर इससे भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो मुझे यह वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो यार देखिए दूसरे स्टेप में आपको एक और बात बता दूँ, ये जो मॉस्फेट होता है दोस्तों, अगर ये आपको बिल्कुल ज़रा सा भी हीट नज़र आए तो फटाफट से इस मॉस्फेट को आप बदल दीजिए, क्योंकि इस मॉस्फेट की वजह से ही जो करंट है बनता है। तो यार इसको भी आप चेक कर लेना एक बार से। ये मेरा ये भी मैंने नया डाल दिया था। तो दोस्तों इसको चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीमीटर को आपको बजर मोड पे करना है और बजर मोड पे करने के बाद जो आपकी ब्लैक वाली प्रॉब है मल्टीमीटर की वो आपको मॉस्फेट के बीच वाली पिन पर रखना है। और यार देखिए मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे हाथ में ब्लैक वाली प्रॉब है वो मैंने मल्टीमीटर के लगा दिया है बीच वाली मॉस्फेट पे। और देखिए इधर उधर वाली पर आपको रीडिंग आएगी, रीडिंग आपको 600 से 800 तक के बीच में आए तो आपका मॉस्फेट बिल्कुल ओके, और दूसरी वाली जो पिन है उस पर रीडिंग नहीं आएगी। तो यार ये है मॉस्फेट चेक करने का तरीका। और यहाँ पर जो है मेरे इस बोर्ड में ऑन ऑफ स्विच नहीं, ऑन ऑफ स्विच से ही मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया है, पुश वाला स्विच नहीं है। तो यार एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो ये कैपेसिटर के पास 3 डायोड हैं आप इनको भी चेक एक बार ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इनकी वजह से भी जो है हमारा लो स्पार्क होता है। तो यार देखिए मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ। चेक करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, एक साइड रीडिंग आएगी मल्टीमीटर में और एक साइड नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ और चेक करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो यार देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसको चेक कर लिया है, और यार चेक करने के बाद जो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, दरअसल मैं ये तीनों डायोड हमारे ख़राब थे। और दोस्तों इसका नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा,
तो यार देखिए, इस डायोड को आप कहाँ से लाओगे? आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हो, और जो है अगर आपके घर में कोई भी पुरानी पावर सप्लाई किसी भी तरीके की हो तो आप ले सकते हो। मैंने इस जो है लिफ्ट जो होती है उसकी पावर सप्लाई में से मैंने ये डायवर्ट निकाल दिए हैं, और दोस्तों आपको देख सकते हो मेरे पास कितने सारे पावर सप्लाई और बहुत सारे बोर्ड हैं। और दोस्तों सब आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो आपको ये डीटीएच की पावर सप्लाई में आसानी से ये डायवर्ट मिल जाएंगे। आप इन डायवर्ट को भी एक बार चेक कर लेना, मैंने चेक कर लिया है ये डायवर्ट बिल्कुल ओके हैं। तो चलिए मैं इसको इसमें लगा देता हूँ, और लगाने के बाद देखिए मैंने इसमें लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं इसमें सोल्डरिंग भी करूँगा। और देखिए हमने नए डायवर्ट लगा दिए हैं और पुराने डायवर्ट उधर रखे हैं, तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं। गाइस मैंने इसमें सोल्डरिंग कर ली है, और यार अब इसको जो है इसमें बैटरी लगा के हम चेक करते हैं ये ऑन है या फिर ऑफ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल हमारा ऑन हो चुका है, इसमें लाइट भी जल रही है। तो दोस्तों अब अभी मैं आपको इसका स्पार्क भी चेक कराऊंगा कितना स्पार्क इसका बड़ा है। तो यार वीडियो को एंड तक और देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसके पूरे वायर को सभी जगह पर उसके लगा दिया है, और इसको एकदम से सेट कर दिया है, इसमें फिक्स करके मैंने डाल दिया है। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो अभी मैं इसका स्पार्क आपको चेक कराऊंगा। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने इसको ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद एक टेस्टर से मैं आपको स्पार्क चेक कराने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो स्पार्क कितना हो रहा है। तो दोस्तों अभी तो ये लाइट में इतना स्पार्क आपको दिख रहा है, अब मैं आपको लाइट बंद करके इसका स्पार्क आपको चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका स्पार्क कितना खतरनाक है। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।